राजद सिनर्जी फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को चौकी, ऊनी वस्त्र और उपवस्त्र इत्यादि और चौकी, गद्दा, रजाई और कम्बल, ये सारे कुछ फाउंडेशन के तरफ से दिया गया। श्री बटुकनाथ संस्कृत महाविद्यालय, प्राचीन श्री द्वारिकाधीश मंदिर शंकुधारा वाराणसी। श्री द्वारिकाधीश मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, यह लगभग 5000 साल पुरानी है। काशी के जितने भी उपनिषद धर्म ग्रंथ हैं सब में इसके बारे में वर्णन किया गया है। और यह काशी के पुरियों में अंतर्गृह पुरी में एक विश्राम स्थल माना गया है। सप्तपुरियों में प्रधान पुरी है और यहाँ विशेष रूप से ब्राह्मण बालकों के लिए संस्कृत की उत्तम शिक्षा दी जाती है। अभी भी आश्रम में 15-20 बच्चे रहते हैं। लॉकडाउन की वजह से इस वर्ष में थोड़ी सी व्यवधान हुई है, लेकिन अभी बच्चे रहते हैं और उनको यहाँ से मठ की तरफ से भोजन, वस्त्र, रहने और खाने पीने की पूरी प्रबंध की जाती है मठ की तरफ से, कुछ भक्तों की तरफ से, और ये इस तरह से विद्यालय चलता है। मेरा नाम धीरज कुमार पांडे है। ये द्वारिकाधीश मंदिर, यहाँ बच्चों के द्वारा स्वामी रामादासाचार्य जी महाराज के द्वारा बच्चों यहाँ MP, मध्य प्रदेश, नेपाल, असम, अदर कई कई जगहों स्टेटों से बच्चे आकर संस्कृत की शिक्षा स्वामी रामादासाचार्य जी महाराज जी के द्वारा इस संस्था में बच्चे पढ़ते हैं। निःशुल्क सेवा उन लोगों के द्वारा, महाराज जी के द्वारा दी जाती है और बच्चे यहाँ से विद्वान होते हैं और इस सांस्कृतिक परंपरा को जागृत करते हैं। और इस आश्रम के द्वारा सब कुछ आश्रम द्वारा दी जाती है बच्चों का, और व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, न्याय, मीमांसा, सारे संस्कृत का अध्ययन यहाँ से कराया जाता है। आज मकर संक्रांति, सूर्य भगवान उत्तरायण होते हैं, तो आज मकर संक्रांति पर यहाँ सारी व्यवस्थाएं बच्चों को, भगवान द्वारिकाधीश जी को भोग लगाई जाती है और प्रसाद वितरण किया जाता है। और सूर्य उत्तरायण के उपलक्ष्य में ये सारे कार्यक्रम जो है बच्चों के द्वारा और भगवान को भोग लगाकर प्रसाद विस्तृत रूप से बांटी जाती है। रजत सिनर्जी फाउंडेशन के द्वारा बच्चों को, विद्यार्थियों को यहाँ कुर्सी, वस्त्र और जो है दक्षिणा, वस्त्र इत्यादि, चौकी, सारे ठंडी का जो वस्त्र होता है इस फाउंडेशन के तरफ से दिया गया है।